एक बार घूंट निगलने के बाद शराब तेजी से रक्त में घुल जाती है और शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचती है। अगर प्रेग्नेंट महिला शराब पीती है तो वह शिशु तक भी पहुंचती है। दरअसल गले में उतरती ही यह शराब पहुंचती है आपके पेट में, जहां 10% एल्कोहल सोख ली जाती है। बाकी की शराब छोटी आंत में जाती है, जहां खून की नलियों में इसे सोख लिया जाता है। हमारा लीवर 15 मिलीग्राम प्रति घंटा शराब ही मेटाबॉलिज्म कर पाता है, यानी इतनी मात्रा की मदिरा को ही ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसके ऊपर अगर शराब पी तो शराब शरीर में जमने लगेगी और आपका शरीर नशे के संकेत देने लगेगा। शराब आपके लीवर में दो एंजाइम्स की बदौलत मेटाबॉलिज्म होती है, ADH और ALDH। सबसे पहले शराब को मेटाबॉलिज्म करने का काम ADH करता है, जो इसे एसिटाल्डिहाइड में बदलता है। एसिटाल्डिहाइड एक जहरीला मिश्रण होता है। सिर दर्द से भरे हैंगओवर की वजह इसे ही माना जाता है। एसिटाल्डिहाइड को फिर ALDH एसिटिक एसिड यानी विनेगर में मेटाबॉलिज्म करता है। दो ड्रिंक के बाद नशे के लक्षण थोड़े नजर आने लगते हैं। इस वजह से आप कुछ ऐसा करने लगते हैं जो आप होश में शायद ही करें, जैसे अपने बॉस से जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश। हमारे दिमाग में गाबा न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें हम स्टॉप न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। ग्लूटामेटर्जिक या गो न्यूरॉन्स जो हमसे काम करवाती है, शराब इन दोनों न्यूरॉन्स पर असर डालती है और कुल मिलाकर हमारे दिमाग के काफी ज्यादा हिस्से में काम ठप पड़ जाता है। इसमें से एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग के आगे का हिस्सा। यह काफी सक्रिय होता है, लेकिन शराब इसे भी काम का नहीं छोड़ती। शराब पीने के बाद अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि शराब उन न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। इसे डोपामिन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो शराब के असर का हमें बार बार एहसास दिलाता है और हम एक और ड्रिंक के लिए भागते हैं। और 3-4 ड्रिंक के बाद यानी शरीर में 50 मिलीग्राम शराब के जमा होने के बाद तो फिर जो होता है वही होता है। नशे के और दूसरे असर भी दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे पैर लड़खड़ाना। 10 ड्रिंक्स के बाद तो हालत बदतर होते चले जाते हैं। उल्टी, जी घबराना, कुछ याद नहीं आना, ठीक से बोल नहीं पाना, हाइपरथर्मिया जब तापमान 104 डिग्री से ऊपर चला जाता है, हाइपोवेंटिलेशन जब हम बहुत ही धीमी गति पर सांस ले पाते हैं, जिसकी वजह से खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इन सब हालातों से बचने के लिए जरूरी है कि शराब पीते वक्त अपने दिमाग का साथ न छोड़े। शराब शरीर में कब तक रहती है? अगर आपने शराब यानी अल्कोहल का इस्तेमाल किया है तो इसका पता मूत्र की जांच में चल जाता है और इसकी मौजूदगी मूत्र में 3-5 दिन तक रहती है। वहीं खून में ये 10-12 घंटे रह जाती है, जबकि बालों की अगर जांच हो तो 90 दिनों तक शराब का असर रहता है।